बैटल बॉब तुम आ रहे हो या नहीं? तो आज क्या क्या करवाना है यार? कल मेरे स्कूल का पहला दिन है और न्यू स्कूल के लिए न्यू हेयर स्टाइल। नया साल, नया स्कूल, नया शहर, यानी सब कुछ बिल्कुल नया। हाँ, इस पे तो न्यू लुक बनता है, बिल्कुल बनता है। जरा कैप हटा के अपने बाल तो दिखाओ। जरा मुझे वो फिस देना। एक्चुअली पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपने कामों में बिजी था, इसीलिए बाल धोने का टाइम ही नहीं मिला, तो समझ लो ये मेरी नेचुरल लुक है। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही नेचुरल है ये लुक। लेकिन एक आर्टिस्ट को एक खाली कैनवस से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। चलो शुरू करते हैं। ये आ गया एप्रन, तैयार हो? मैनी मेरे दोस्त, अपना जादू दिखा दो। तो तुम्हारी क्या कहानी है मेरे दोस्त? मेरी ये कहानी दुनिया के दूसरे कोने से शुरू होती है। तुम क्या वाकई में एक सुपर हीरो थे? उससे भी बेहतर, एक टीवी स्टार। एडवेंचर्स? मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुमने अपनी वो आवाज क्यों नहीं निकाली? एक मशहूर टीवी स्टार हेयर कट कराने आया है हेयर कट्स पे। ओ माय गॉड, सुनो। आहिस्ता बोलो यार, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ बाल कटवाने, ताकि कोई मुझे पहचान न सके। समझ गया, माजरत, सॉरी, मुँह पे जिप, अब कोई आवाज नहीं निकलेगी। आगे क्या हुआ? मैं एक टीवी शो कर रहा था बहुत सालों से, जो कि बहुत ही जबरदस्त था। मैं पूरी दुनिया घूमा, मैंने वो सब कुछ देखा जो मेरी ख्वाहिश थी। मैंने कुछ रॉक एल्बम्स रिलीज किए, मेरा अपना वीडियो गेम भी था, और फिर मैं यहाँ आ गया। बस यूं ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए? अपने पेरेंट्स, अपना करियर, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया? मेरी नानी मेरे साथ है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? क्या मतलब? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उन सबका नाम भी ले सकता हूँ। नहीं, किसी सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा मैनी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करूं, बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह। चलो गुड लक आम से बच्चे पैडल पॉप, तुम्हें नया स्कूल मुबारक हो, तुम कितने हैंडसम। एक आखिरी स्प्रे। ओके, मेरे प्यारे पैडल पॉप, अगर पसंद आए तो सच मत बोलना, लेकिन ये देखो के कैसा। चलो भाई, ये रहा तुम्हारा नया स्कूल। अरे यार, क्या करूं? क्या मसला है बेटा? उन सब बच्चों को देखें। तो तुम भी तो एक बच्चे हो। अगर मैं उन्हें पसंद ना आया? ये बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू। तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए? तुम एक लायन हो, एक नेचुरल लीडर, तुम सिर्फ अपने आप पर फोकस करो, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, मगर ओके बाय। ओके पैडल पॉप, गहरी सांसें। तुम शेर हो, तुम बहादुर हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी। ये स्मेल कैसी? ओ भाई, देख ले, साइड में हो जाओ, सामने से हटियो। लॉकर 147।
मंडे मंडे बन जाएगा फंडे, सब मिलकर मेरे साथ कहो। ये रैप तो नेक्स्ट लेवल था। ओह मैन, सॉरी। तू बड़ा कूल है बड़ी। तुमने उसको देखा? कितनी अजीब सी लग रही है। एक्सक्यूज मी, जाने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे बैग में एक कॉइन था, पता नहीं कॉइन मिल गया। एक मैजिशियन? ओह, ये बच्चा कितना कूल होगा। दो कॉइन्स मुझे। तुम्हें अपने कान साफ करने चाहिए, अंदर तो पूरा एक ट्रेजर है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे नाक से निकले हुए कॉइन को हाथ लगाऊंगी? या इससे बेहतर तो हम मर जाएं। स्कूल के बारे में ऐसा सोचो जैसे कोई टीवी शो हो। कम ऑन पैडल पॉप, बस टेंशन मत लो। वेलकम टू वेस्टर्न हाई, तुम पैडल पॉप हो? और आप हैं? प्रिंसिपल पेलाडोरस, और लोग मुझे प्रिंसिपल पी भी कहते हैं। तो ये है हमारा स्कूल, फलाना फलाना फलाना, ये है किताबें, ये है क्लासेस, और यहाँ थूकना सख्ती से मना है। तुम्हें पता है पैडल पॉप, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना है। वाकई में? क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई तो नहीं था जो इस स्कूल में था, या तुम कभी टीवी पे आए हो? मैं और टीवी में? नहीं, मैं तो टीवी देखता भी नहीं। ये चीज टीवी ही होती है ना, टीवी। मैं तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से हर वक्त बाहर ही रहता हूँ, यानी ज्यादा दूर नहीं जाता, बस करीब ही। एक बात बोलूं पैडल पॉप, जब आप प्रिंसिपल होते हो तो आपको पता लग जाता है कि बच्चे कब झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई? ओ बिल्कुल, मुझे सब पता होता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम इस वक्त सच बोल रहे हो। सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। बिल्कुल सही, मुझे सच बोलने वाले बच्चे बहुत पसंद है। चलो अपनी क्लास में जाओ और मैं तुम्हें लंच पे मिलता हूँ। हे, मैं पैडल पॉप। ओहो, न्यू एडमिशन। ठीक है बच्चों, बैठ जाइए बैठ जाइए। आज हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे न्यू एडमिशन पैडल पॉप से। शायद आप तालियां बजने का इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, मैं आज वेस्टर्न हाई का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ, और मुझे इंतजार है उस वक्त का। आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? ये वही बच्चा है जो मुझे हॉल में घूर रहा था। मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मुझे तो उसको देख के हंसी आ रही है। एक्टिविटीज में हिस्सा लूंगा। ओके ओके, हमें समझ में आ गया। ओके, आप कहते हैं तो यहीं रोक देता हूँ, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर स्पीच खत्म हो गई हो तो प्लीज तशरीफ रख लीजिए। ब्लेन, पिछले कुछ महीनों में बहुत मजा आया, लेकिन अब बहुत हो गया, तो प्लीज ये सीट खाली करो। यानी हमारी दोस्ती खत्म? बिल्कुल सही समझा तुमने, अब जा। यूहू, मेरे पास सीट खाली है। वो है हनी, स्कूल की सबसे मशहूर लड़की। अगर तुमने इससे दोस्ती कर ली तो वूहू, समझो तुम्हारी सोशल लाइफ हो गई सेट। एक्चुअली अगर मसला ना हो तो क्या मैं उस बच्चे के साथ बैठ सकता हूँ? उसके साथ? वाकई में? खैर तुम्हारी मर्जी। क्या हाल है मिस्टर मैजिशियन? मैंने उन बनीज के कानों से तुम्हें कॉइन्स निकालते हुए देखा, क्या कमाल ट्रिक थी। मेरे ख्याल से तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। मैं पैडल पॉप। मैं फिंगर्स हूँ, ये लीना और ये लूप वर्म। जबरदस्त, बूम बूम बूम, तीन दोस्त वो भी एक साथ। तो हम सब मिलकर मूवी नाइट कब लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से कभी नहीं। Whoa, take it easy, bro. अच्छा अच्छा, शायद ज्यादा ओवर हो गया, अभी तो दोस्ती शुरू हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। सब बच्चों सुन लो, आज आखिरी दिन है साइन अप का, बैटल ऑफ द बैंड्स में एंट्री के लिए। साइन अप करना ना भूलें। बैटल ऑफ द बैंड्स, ये क्या है? ये एक बैटल है बैंड्स का, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, अब नजर आया? अच्छा, जबरदस्त। यार हम महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम काफी अच्छे हो गए। मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें पता तो है यहाँ चीजें कैसे होती हैं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा नया गाना सुना कहाँ है? सुनो, लूप बीट स्टार्ट करेगा, पम परम पम पम परम, फिर उसके बाद पम 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 पम,
सॉरी, थोड़ा मस्त हो गया था। तो तुम लोगों का बैंड है? हाँ। नहीं, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं लेकिन कुछ खास नहीं। बस एक सिंगर की कमी है। यार थोड़ा बहुत तो मैं भी गा लेता हूँ। वाकई में? वाकई में हम सब मिलके बैंड क्यों ना बना लें? अब इनकी भी सुनो और बैटल ऑफ द बैंड्स में हिस्सा ले लें। कितनी रियलिस्टिक सोच है आपकी। लेकिन क्यों? स्कूल में यही सब कुछ तो होता है। ये लड़का कहीं हमारी तफरी तो नहीं ले रहा? कहीं कैमरास तो नहीं लगे आसपास? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नए हो। मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि तुम वेस्टर्न हाई में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज में हिस्सा ले सकते हो, मजे कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए वाकई ऐसा होता होगा, लेकिन ये सब हमारे लिए नहीं। क्यों, क्या मसला है? चलो मान लेते हैं कि हमारा एक बैंड है। जो कि नहीं है। ओके, नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो हम हिस्सा नहीं लेते। लेकिन क्यों? वो हनी, सर ने तो कहा था वो बहुत अच्छी है। क्योंकि सर को इसकी असलियत नहीं पता, जिस तरह पूरे स्कूल को नहीं पता। एक्चुअली इसलिए क्योंकि पूरा स्कूल, टीचर्स, स्पेशली प्रिंसिपल पी, सब इसके फैन है। ये लोकल न्यूज चैनल पे भी आती है और सोशल मीडिया पे इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। इसीलिए इसको कोई कुछ कहता ही नहीं है। लेकिन अगर वो इतना सब कुछ करती है तो उसको सिर्फ एक ही चीज का ख्याल है और वो है उसकी लुक्स। हर कोई समझता है कि वो इतनी ही स्वीट है जैसे हनी। इसको साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज भी दे दिया। ये तो साइंस अनफेयर हुआ। तुम्हें पता है जिस हर्डल रेस में ये जीती थी उसमें से इन्होंने हर्डल ही हटा दिए थे। पहला डोरिस ने तो लंच ब्रेक के दौरान स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस में उसकी मदद भी की थी। तो वो हर चीज में हिस्सा लेती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मसला ये है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो दूसरों को ये महसूस कराती है कि वो कितने बेकार हैं। लीना को हनी इसलिए भी बुरी लगती है क्योंकि फिंगर्स, चुप करो, क्योंकि लीना को ब्लेन पसंद है। नहीं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हनी उसकी इनोसेंस का फायदा उठा रही है। मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की है, क्लास मॉनिटर भी है, उसको कभी डिटेंशन भी नहीं मिली, फर्स्ट भी आती है, यानी लड़की एकदम फिट है, तभी तो हम इसको अपने पास रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम्हें पता है तुम जबरदस्त हो, इसीलिए हमें ये समझ नहीं आता कि तुम उस बेवकूफ गजेल के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हो। खैर, बैटल हो या ना हो, लेकिन क्या हम लोग किसी दिन मिलकर जैम करें? जबरदस्त आइडिया। हाँ, क्यों नहीं। ओ, मुझे क्लास में जाना है, लंच पे मिलते हैं। मैंने सुना है यहाँ खाना बहुत बुरा है, मिलके खाएंगे। क्या ये सिर्फ मेरा ही ख्याल है या तुम्हें भी यही लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं है? बहुत ज्यादा, मुझे तो अच्छा लगा। तुम्हें तो हर बंदा ही अच्छा लगता है फिंगर्स। जल्दी क्या है, पहली क्लास में लेट होना अच्छी बात नहीं है। ज्योग्राफी, मैं तुम्हें टाइम पे ले जाऊंगी अगर तुम्हारे रास्ते में है तो। मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करना मेरे काम का हिस्सा है। तुम्हारा नाम पैडल पॉप है ना? आई एम हनी। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारे बहन भाई कितने? मेरे तो बहुत सारे हैं, उनमें से अभी कुछ लार्वर्स हैं, पता नहीं उन्हें काउंट करना चाहिए या नहीं। कम से कम जब तक वो प्यूपल्स नहीं हो जाते तब तक तो नहीं। मामा ने तो अब तक उनके नाम भी नहीं रखे। अब तुम बताओ, पीछे मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या पसंद है। मैं कितनी अच्छी लिसनर हूँ ना, ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे लग रही है मेरी क्लास है। ओके, लंच पे तुम मेरे साथ बैठना, खिड़की के साथ वाली बड़ी टेबल पे, बहुत जगह है, अमेजिंग व्यू है और मेरा गैंग भी मेरे साथ होगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बल्कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी हमारे जैसे हो। एक्चुअली मैंने फिंगर्स को, ब्रेकिंग न्यूज, मुझे एक नए बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है। बाय। तुम लोग फिर लेट आए हो, अगली दफा मैं तुम सबको डिटेंशन दूंगी। और लीना, तुम तो खास तौर पर सुधर जाओ। सॉरी मिस पैक। अब तुम लोग खड़े हुए हो तो तुम ही शुरू कर दो। तो तुम लोग किस चीज पर काम कर रहे हो? हमने एक नया सॉन्ग कंपोज किया है। बहुत अच्छे, तो शुरू हो जाओ। ओके, 1 2 1 2 3 4। क्लास के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, और मुझे तुम्हारी शूज बहुत पसंद है। सॉरी, स्टूडेंट काउंसिल की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हनी बेटा, कोई मसला नहीं है। तो हम स्टार्ट करें। 1 2 3 4। ओके, जल्दी सुनो, हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, पैरल पॉप, मगर वो
मुझे नाम काफी बोरिंग लगता है। मैं सोच रही थी मैं उसको लॉस, टॉम या सैम, डेनियल बुलाऊं या पता नहीं यार, कुछ आइडियाज दूं। ये कैसी आवाज थी? क्या ये इसकी नाक से आ रही है या इसकी ट्रम्पेट से? क्या तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है? ओहो, चुप करो, चुप करो। तैयार हो जाओ मरियम। लंच में क्या है? ये रहा तुम्हारा लंच, अब जाओ। बर्नल पॉप, गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल पी। तो तुम्हारा पहला दिन कैसा गुजर रहा है? क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हो? डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। शानदार। कोई दोस्त बने? कोई तुम्हारे साथ बैठा? असल में हनी ने मुझे। ओ हनी, हाँ वो तो कमाल है। तुम्हें पता है वो स्कूल की सबसे मशहूर लड़की है। तो इसे मैं हाँ समझूं, सही? ओ मुझे ये तो बताओ कि तुम स्कूल की कम्युनिटी में घुल मिल गए हो या नहीं? तुमने अपनी जगह बनाई? जी वैसे तो आज मेरा पहला दिन है लेकिन मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। ओ, फिर से एक हफ्ते में तीन बार। बैटल पॉप, बाद में मिलते हैं। कनेरी। ये वही लड़का है। ये सही है। फिंगिस इधर आ जाओ। हे दोस्त। हाय पैडल पॉप। आओ यहाँ बैठते हैं। पर ये टेबल तो हनी की है। हाँ उसने कहा था मैं उसके साथ बैठूं, लेकिन तुम भी साथ बैठोगे। लेकिन यार ये जगह हमारी नहीं है। क्यों नहीं यार? उस हनी को तुम। एक्सक्यूज मी, तुम होश में तो हो? मुझे अपना लंच किसी स्मेली जगह खाना पसंद नहीं। ओके अरे नहीं नहीं ये मेरे साथ है। अच्छा ऐसा है कि एक्चुअली हमारी टेबल पे ज्यादा जगह नहीं होती। पर तुमने कहा था यहाँ बहुत जगह है। हाँ खाली जगह तो है लेकिन तुम्हारे लिए। लेकिन फिंगर्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से जिम्मेदारी है कि तुम हर नए आने वाले स्टूडेंट की मदद करो। तुमने मुझे यही बताया था ना। बैठ जाओ फिंगर्स। गिनो हनी, वन टू। तो गया ब्रो, ये हमेशा अपनी चलाने की आदि है। ये 1 to 10 वाली चीज कभी काम नहीं करती। ओके अब मेरी बात सुनो, यहाँ वो होता है जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें मैंने इनवाइट किया कि तुम मेरी गैंग में आ जाओ और अगर तुम फिट हो जाती तो शायद मेरे नए बेस्ट फ्रेंड बन जाते। तुम्हारे पास चांस था लेकिन अब वो तुमने खो दिया। मैंने खो दिया? नहीं तुमने खो दिया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ सब कुछ बदलेगा। सब बच्चे बराबर होंगे और तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ध्यान से पैडल पॉप, तुम मुझसे जंग कर रहे हो और तुम हार जाओगे। तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता। मैं नहीं हारता, कभी नहीं। चलो ब्लेन। वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन इसने तो हद ही कर दी। ये समझती है मेरे दोस्तों से ऐसे बात करेगी, मेरे होने वाले दोस्तों से। छोड़ो यार। नहीं हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। बुलीज के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो तुमने बुलीज पहले भी देखे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे पिछले स्कूल में भी हनी की तरह एक बुली था और पता है हमने उसको कैसे रोका? उसके खिलाफ खड़े होकर। उसका नाम क्या था? किसका? वो बुली का ट्रे, उसका नाम ट्रे था। लेकिन उसका इस कहानी से कोई कनेक्शन नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बुली से डील करने का एक ही तरीका बहुत है। बहुत बड़ा था। फिंगर्स अब बस कर दो। सॉरी। मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमने मिलकर ट्रे के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया वो डर गया। यार तुम अपने पुराने स्कूल के किस्से लेके बैठ गए, अब तुम इधर हो और यहाँ हनी है और उसके सामने हम। तो हम किसी से कम है क्या? पैडल पॉप, लीना, लूकवर्म और फिंगर्स। और जितने लोग उसको पसंद करते हैं उतने ही हमें भी पसंद करते हैं। हे सुनो, तुम्हें फिंगर्स पसंद है ना? नहीं। ओ, इसकी
सुनता कौन है। पॉइंट ये है कि हनी सबको बताती है कि वो बेस्ट है, इसलिए सब उसको बेस्ट समझते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम उससे बेहतर हैं, लेकिन हमें सबको ये बताना है कि हम उससे कम भी नहीं। सुनो, अगर ये इतना ही आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हमें इसे दूर रखो। हे, अगर कहो तो तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी एम्बैरेसिंग बात है। अगर इसका ताल्लुक तुम्हारे पेट से है तो खुदा के लिए मुझे मत बताना। जबकि तुमसे मिले हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। तुम हमेशा मुझे किसी काबिल समझते हो, इतना काबिल जितना मैं खुद भी अपने आप को नहीं समझता। यार फिंगर्स, तुमने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया। आ जाओ, गिव मी अ हग। आहिस्ता मेरे दोस्त, आहिस्ता। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मेरा भी दिल कर रहा है कि तुम्हें छोड़ू ही नहीं। क्या कर रहा है? ये तो अपना नाम लिख रहा है। हनी से मुकाबला करेगा। कोई रोक दे। एक सेकंड, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। ये इसने क्या किया? साइन अप का टाइम तो तकरीबन खत्म हो चुका है, सिर्फ 20 सेकंड बाकी हैं। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मेरा रेंच। आउ, आउच। ऐसा लग रहा है किसी तकिए पे आके गिरी हूँ। पूरे 3 सेकंड बाकी हैं। साइन अप का टाइम खत्म। नहीं 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 नहीं, हमने इसको साइन अप करने के लिए नहीं बोला था। प्लीज हमारा नाम काट दें, हमने परफॉर्म नहीं करना। क्या तुम्हारा नाम लिस्ट में है? जी है, मगर हमने टाइम खत्म होने से पहले लिखा था। जी जी, लेकिन क्या साइन अप क्लोज होने से पहले तुमने अपना नाम काटा था? नहीं, मैंने कोशिश। तो तुम साइन अप हो चुकी हो, और अगर अब तुमने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम्हें डिटेंशन मिलेगी। लेकिन मुझे तो कभी डिटेंशन नहीं मिली, मेरा रिकॉर्ड परफेक्ट। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिकॉर्ड परफेक्ट रहे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे बैंड को कल सुबह आना पड़ेगा। नाम कटा दिया, हम बच गए ना? नहीं, चलो अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुम हमसे दूर रहो। पादल पॉप, तुम स्कूल में इतना लेट क्या कर रहे हो? मैंने अपनी नानी को बोला था कि स्कूल के बाद मेरी जैमिंग है, तो वो 1 घंटे बाद आएंगी। ठीक है, लेकिन तुम अंदर जाके उनके साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, शायद उनको तुम्हारी कैफे वाली हरकत पसंद नहीं आई। लेकिन अगर मुझसे पूछो जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए हिम्मत। आज तुम्हारा वैसे ही पहला दिन है, इसीलिए तुम शायद हनी से उतना नहीं डरते। फिर भी हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, इन लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हनी के आगे कुछ नहीं बेचते। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ये लोग हनी से बहुत अच्छे हैं, वो इनके सामने कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता क्यों नहीं है? इनको अभी पता नहीं है, इनको कोई चाहिए जो इनको बता सके कि ये कितने टैलेंटेड हैं। तो जाओ उनको बता दो। सुनो, ये यहाँ भी आ गया। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। सीरियसली यार, एक दिन के लिए इतना तमाशा काफी नहीं है? बोलो। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बस। फिंगर्स, तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारे साथ क्यों बैठा था? क्योंकि खाली सीट वहीं थी। क्योंकि तुम बहादुर हो यार। हनी के बराबर भी एक सीट खाली थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठा क्योंकि मैंने वो जादू देखा जो तुमने उन बनीज के साथ किया। 2 मशहूर लड़कियां तुम्हारे मुंह पे हंस रही थी और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कोई टेंशन नहीं, ये हुई ना बात। इसके लिए हिम्मत चाहिए, और मैं यहाँ ऐसे ही लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ जिनको अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस हो, चाहे लोग कुछ भी कहें या हंसें। अगर आप मैजिशियन है तो लोग तो आप पे हंसेंगे ना। मैजिशियन बनने के लिए ये बात समझनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है। चाहे आप रॉकस्टार हो या साइंटिस्ट या फिर तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, क्लास क्लाउन।
कॉमेडी का बादशाह। मैं तो अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा पॉइंट क्या है? देखो दोस्तों, तुम्हें ये पहले से पता है, जब आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो शुरू में उसमें नाकामी का डर होता है, और हनी ये बात जानती है। इसीलिए जब भी तुम स्कूल के किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हो तो वो तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। ट्रे की तरह। कौन? तुम्हारे पिछले स्कूल का बुली। ओ हाँ, वो ट्रे की तरह। हनी तुम लोगों को ये एहसास दिलाती है कि अगर तुम लोग फेल हो गए तो तुम्हारी दुनिया खत्म, और अगर तुम इस डर की वजह से कोशिश भी ना करो तो जीत उसकी हर बार लगातार। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, मगर तुम सही कह रहे हो। वाकई में? सच? हाँ बिल्कुल। हनी हमें काफी अरसे से नीचा दिखा रही है, अब वक्त आ गया है कि हम उसको जवाब दें, और ये बेहतरीन मौका है। हाँ, लेकिन क्या हम उतने अच्छे हैं भी? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं हमारे गाने की बात कर रहा हूँ, कुछ बैटल ऑफ द बैंड्स टाइप का नहीं है। बुरा मत मानना फिंगर्स। नहीं यार, मेरा भी यही ख्याल है। और अगर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं और हार जाते हैं तो उससे लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, और फिर कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ये ट्राई करें, लुकवर्म ये बजाओ, सीधा सीधा, कोई स्विंग नोट्स नहीं। कम ऑन, ट्राई तो करो। नाइस लीना। ये लड़का अपने आप को क्या समझता है? चलो ब्लेन, और इसको लगता है ये यहाँ के मुझसे टकराव करेगा। एक सेकंड, क्या कोई मसला है? मैं अपने लॉकर की चाबी भूल गई, शायद पहला वीक है ना। कोई मसला नहीं। आप कितने अच्छे हैं, रियली थैंक यू। तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी। हनी, वाह वाह वाह, पैडल पॉप तुम तो गए। ये चीज, मजा आ गया यार, ये तो गाना नेक्स्ट लेवल हो गया। गाना तो फिंगर्स का ही है, बस थोड़े से चेंजेस और एक नया सिंगर। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो गाना मैंने लिखा था ये उससे बहुत बेहतर है। आइडिया तुम्हारा था, मैंने सिर्फ एडिशंस किए हैं। हाँ दोस्तों, तो तुम लोग कल परफॉर्म करने के लिए तैयार हो या नहीं? सबको दिखा देते हैं कि हम क्या हैं। तुम लोग ऑसम लग रहे हो। वो फिंगर्स, तुम तो रॉक स्टार लग रहे हो। हाँ, लेकिन मेरी पैड्स बहुत टाइट है, अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो मुझे डर है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अब हमें क्या करना होगा? हम एक एक करके अपना गाना जजेस के सामने परफॉर्म करेंगे, जैसे टीवी पे होता है। ऑडियंस वोटिंग, पूरा स्कूल आएगा। कोई ऑडियंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन अगर हम जीत गए तो हमें पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें स्कूल के सामने ही परफॉर्म करना है। और नजरें गड़बड़ हो गई। हमें तो ऐसा लगता था कि बैटल ऑफ द बैंड्स देखने कोई नहीं आता था। और आते भी क्यों? आज तक हनी के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो बैटल किस चीज़? वो अंदर कितनी ऑडियंस है? अंदर पूरे 3,147 लोग हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर किसी ने अंदर कोई रैपर या कचरा फेंका तो मैं पूरे स्कूल को डिटेंशन दे दूंगी, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। वैसे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम्हें आज तक स्कूल में डिटेंशन नहीं मिली। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था यार, पूरा स्कूल मेरा पेट देखेगा, कितना बेवकूफ लगूंगा मैं। पेट से ज्यादा मुझे किसी और चीज की फिक्र है। गाइस गाइस कम ऑन, टेंशन मत लो। लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, हम जीतेंगे उन सब के लिए जो डर की वजह से पीछे रहते हैं, और हमारे लिए। हाँ, ये स्कूल सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी है, हम सबका है। व्हाट्स ए फिंगर्स? Let's rock! Hello, excuse me. एक दफा अगर मैं, अगर आप मुझे अंदर, Mr. Superintendent, sir, मैं principal पहला, हाँ? ये लोग तो वाकई आ गए। तो तुम लोग आ गए? मुझे लग रहा था कि तुम लोग अब नहीं आओगे। तुम जो समझना चाहती हो, समझ लो। हेलो, आप सबको इस साल के बैटल ऑफ द बैंड्स में वेलकम करती हूँ। हमारे साथ हैं पिछले साल के चैंपियंस हनी एंड द बनीज, और एक चैलेंजर पैडल पॉप लीना, लूकवर्म, और ये क्या नाम लिखा है,
फिंगर्स 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 क्या ये तुम्हारे बैंड का नाम है द फिंगर्स वो पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ जैसे आप सब जानते हैं मैं हनी हूँ और जैसे आप जानते हैं कि मेरी बैंड हनी एंड द बनीज ने कितने सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस और अभी मैंने बहुत सारे बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है लेकिन हमारे सामने कौन है बहुत नाइंसाफी है क्योंकि जजेस को हमारे बारे में पता है और उनके बारे में कुछ नहीं मैंने आप सबके लिए पूरी रात इंटरनेट पे बैठ के इस नए स्टूडेंट के बारे में बहुत कुछ सर्च किया और आपको पता है मुझे क्या मिला तो क्या आप देखना चाहेंगे पैडल पॉप की हिस्ट्री तो अब इंतजार किस बात का रोल करें टेप पैडल पॉप एक्टर स्पोर्ट्समैन सिंगर सोशल वर्कर एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी लेकिन ये सच नहीं एक छोटी सी उम्र में ही पैडल पॉप ने अपना नाम दुनिया में बना लिया पूरी दुनिया में उसकी टीवी सीरीज मशहूर थी बड़ों और बच्चों सबका फेवरेट और हर जगह हर बच्चा उसकी धाड़ की नकल करने लगा तो आप क्या सुनना चाहते हैं कभी कभार हमारी बेहतरीन कोशिश भी जाया हो जाती है और हमें पोस्ट प्रोडक्शन में सारी चीजें फिक्स करनी पड़ जाती है बेटा गले से नहीं सीने से शाबाश शाबाश शेर की तरह उसकी आवाज बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह थी तो हमने पोस्ट में फिक्स कर दी एक ऐसा स्टार जो अपनी धाड़ की वजह से फेमस था लेकिन असल में तो ये शेर धाड़ ही नहीं सकता रोक दो वो शेर जिसे धाड़ना नहीं आता ये कैसा शेर है कितनी हंसी की बात है ना लोगो बिल्ली कहीं का है कितना बड़ा लूजर है तो क्या हुआ इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे पता है ये धाड़ सकता है ना एक मिनट सब चुप हो जाएं सॉरी बड़े होने के बाद तुम सही तरह धार सकते हो है ना अच्छा बात तो सुनो रुक जाओ हट जाओ मेरे सामने तो से क्या हुआ तुम धार नहीं सकते हमें क्या फर्क पड़ता है कुछ भी नहीं मुझे उन्हें जहाँ मैं रहता था वहाँ के सारे लोगों को इसीलिए मैं यहाँ आया था उनको जब मेरी आवाज का पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे थे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लुकवर्म क्या कहते हो तुम्हारे पिछले स्कूल से हमें क्या फर्क पड़ता है क्यों फिंगर्स और अगर ये धार सकता भी तो हमें इससे क्या देखा हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम दोस्त हैं नहीं तुम लोग नहीं हो हाँ हम हैं नहीं तुम लोगों को सिर्फ लगता है तुम लोग तो मुझे जानते भी नहीं चलो हमें एक चांस तो दो मैंने तुम लोग उसे झूठ बोला है ये मेरा पहला स्कूल है क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग घर पे हुई है वो सब झूठ था सब कुछ लेकिन तुम तो उस बुली के खिलाफ खड़े हुए थे कोई बुली नहीं था वो सब एक कहानी थी जैसे ही मेरी असलियत न्यूज पे आई मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई मेरे पास कुछ नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ आ गया मुझे लगा मुश्किल होगा लेकिन यहाँ आते ही अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगा मुझे दोस्त मिल गए उन फेक लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मुझसे इसीलिए दोस्ती करते थे क्योंकि मैं मशहूर था पहली दफा मुझे सच्चे दोस्त मिले और मैंने उनको भी खो दिया इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं हमें पक्का पता था कि तुम कुछ चीजों में सच नहीं बोल रहे तुम्हें पता था हमें लगता था कि तुम कुछ अलग हो और वो जो पहले दिन तुमने कहा था कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह रहना चाहता हूँ ऐसा कौन कहता है मेरा मतलब है कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक ऐसे रॉक स्टार हो जो धार नहीं सकता और इंतहाई अमीर भी ये अमीर है ना तुम्हारे सच्चे दोस्त तुम्हारे साथ हैं ओके तो तुम लोग रेडी हो या नहीं ठीक है तुम लोगों का अगर अपनी और बेइज्जती करानी है तो आ जाओ स्टेज पर प्लान तो यही है तो फिर क्या तुम लोग तैयार हो याद रखना अगर स्टेज पर चार मिनट में नहीं पहुंचे तो डिस्क्वालिफाई हो जाओगे बाय ये तो बंद है लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा हट जाओ ये तो जैम्ड है हाँ क्या ओह तो हम बाहर कैसे निकलें हम भी तो यही सोच रहे हैं अकलमंद इंसान हट जा मैं इसको खोलता हूँ
ओ प्लीज तुम कुछ मत खोलो। लूक वर्म, तुम जाके देखो क्या चीज फंसी हुई। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। लूक, जाओ। रुक जाओ, तुम्हारा ट्रम्पेट फंसा हुआ है, धक्का दिया तो टूट जाएगा। क्या, मेरा ट्रम्पेट? गया ट्रम्पेट। अच्छा तो बाहर निकलने का एक यही रास्ता है, हमें ये खोलना पड़ेगा। अब क्या करें? किसी के पास रेंच है? ये भी बंद है। देखो वो रहा नेथन। नेथन, नेथन दरवाजा खोलो। नेथन इधर देखो। ये लोग यहाँ इतनी जल्दी? या अल्लाह, मेरी दादी से ज्यादा तेज चलती हैं। जल्दी आओ। अरे बच्चों, तुमको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा रेंच, हमें तुम्हारा रेंच चाहिए। ओ, वो मेरे ख्याल से खो गया है। ओके ओके, कैफेटेरिया चलो। शायद मैं नीथन को लेकर आता हूँ। नहीं, अब टाइम नहीं है। लूकवर्म, तुम अपना कमाल दिखाओ। लेट्स डू इट। मुझे कुचलना मत। कोशिश करूंगा, बस यही सुनना था तुमसे। रेडी, 1 2 3 पुश। वो रहा, मैं लेके आती हूँ। आ ही गया था हाथ में। कोशिश अच्छी थी। कोई सीढ़ी ढूंढे? हमारे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं, अगर हमें सीढ़ी मिल जाए तो। नहीं, मैं और लूक कर लेंगे। हम कर लेंगे। ये रुको रुको, तुम्हें अंदाजा है ना कि मैं रस्सी नहीं हूँ। मिल गया। ये। ओ, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। शुक्रिया। Let's go! बाद में मिलते हैं। 45 seconds। तुम कर लोगी? कोशिश करती हूँ। अरे यार, क्या हुआ? ये रेंच इतना पुराना है कि बेकार हो चुका है, तभी तो हमारे स्कूल का ये हाल है। ये तो है, हमारे पास टाइम नहीं है। सोचो लीना, सोचो। सब मेरे रास्ते से हट जाए, मैं इसको खोलता हूँ। लेकिन तुम्हारा ट्रम्पेट? मेरे पास दूसरा रास्ता है। इसका टाइम तो पहले ही पूरा हो चुका था। क्या बात है, हम आ रहे हैं। मतलब चलो यार। फाइव गाइस, मेरी दुम फंस गई है। 4, मुझे ऐसे ही कॉम्पिटिशन में तो मजा आता है। लगता है तुम चारों सही टाइम पर आ गए, चलो अब शुरू हो जाओ। हेलो वेस्टर्न स्कूल, हम हैं। बैंड का नाम क्या है? हम हैं द किड्स हु कैंट रोर। जेलेसी तो नहीं हो रही? बहुत आला। नाम बाद में बताएंगे। 1 2 1 2 3 4। जीत जाना नहीं है आसान, मुश्किलें करेंगी तुमको परेशान।
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या नहीं जीते, लेकिन हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल। खैर जो भी हुआ, मुझे तो बहुत मजा आया, नए दोस्त जो मिल गए, सच्चे दोस्त। और कुछ चाहने वाले और कुछ नए दुश्मन भी। मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये अच्छा गाते हैं? अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मैं प्रिपेयर करके आती। तुम लोगों को पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे किसी ने? आह, क्या मौसम है, घास हरी हरी, स्कूल में एक नई फिजा चल पड़ी। अगले साल स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा। Hey, पैडल पॉप, तुम्हारे लिए एक काम है। हमें रिपोर्ट मिली है कि स्कूल के नीचे जो गार हैं, उनमें से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कोई एलियंस हो। आप चाहते हैं कि मैं जाके देखूं? मैं भी साथ जाऊंगी। मैं भी। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मैं फ्लैश लाइट लाता हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था स्कूल में हमेशा नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मैंने सुना वो गार बहुत औसम है, और जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हो तो फिर डर किस बात का? मुझे इस जगह के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। सोच है आपकी। तुम जो भी करोगे हम तुम्हारे साथ होंगे हमेशा। दोबारा? बेचारी बच्ची, मैं बर्फ लेके आता हूँ।